अगर लोकल लीडरशिप की बात करें तो बीजेपी लीडर यहाँ पे हैं, वो लोगों के समर्थन में सोए पड़े हैं, वो मरे हुए हैं, वो जिंदा नहीं है, कोई भी मरता है वो। मैं हाल कहता हूँ, करे मेरे पे कोई एक्शन लेना है। ऐसी लीडरशिप, ये 12,000 परिवार बैठे हैं और ऐसी लीडरशिप जिनको सुनने के लिए कोई नहीं है, जिनको देखने के लिए कोई नहीं है, जिनके अफसर के पास टाइम नहीं है। क्या बात करते हैं आप, किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? उस लीडरशिप की जिनके लिए कुछ भी करना आज पॉसिबल नहीं है। दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के जूते घिस रहे हैं इनके। आपके लिए वो बीजेपी की लीडरशिप है? कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? अपोजिशन को आप अंदर ठोकरे में लगे रहते हैं, आप उनके लिए कोई ना कोई धारा लगा के अंदर लाते हैं, ये लीडरशिप है? अरे लीडरशिप करनी है, लीडरी करनी है तो आओ मैदान में आके देखो कैसी होती है लीडरी। किस लीडरशिप की बात करते हैं पत्रकार साहब? हमारे पीडीडी के जितने भी डेली वेजर्स हैं, इनकी तरफ से बंद का आह्वान किया गया है और पूरी स्टेट वाइज बंद किया गया है। और मैं बतौर कांग्रेस इनका समर्थन भी करता हूँ, बतौर सिटीज़न मैं इनका समर्थन करता हूँ, बतौर सज्जन राजदान मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ। आप यहाँ पे देखें कि बिजली के किरायों में जो बढ़ोतरी हर 3 महीने के बाद की जा रही है, जिसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, तो इन मुलाजमन को क्यों नहीं इनको पक्का किया जा रहा? अगर पब्लिक पैसा इकट्ठा हो रहा है और पब्लिक पैसा इकट्ठा होकर इनकी गवर्नमेंट इतना कलेक्शन कर रही है, तो इनको पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? पूरी स्टेट में इनको जो है अपनी तनख्वाह के लिए मोहताज, पाई पाई के लिए मोहताज बनाया गया हुआ है। क्या इनके परिवार नहीं है?
क्या इनके बच्चे नहीं हैं? आप सरकारी मुलाजमों के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में एक भी नहीं जाना चाहिए, सबके सब प्राइवेट में पढ़ने चाहिए और सबकी जो सीटें जो हैं रिजर्वेशन में जानी चाहिए। तो इन्होंने क्या कसूर किया है? क्या ये सिटीज़न नहीं है? क्या ये बाशिंदे नहीं हैं? क्या इनको इंडियन कहलाने का हक नहीं है? अगर आपने कह दिया वन नेशन वन मैप एंड वन फ्लैग, तो फिर उसके तहत ये क्यों नहीं आते? अगर वन इंडियन वन नेशन है तो फिर इनको पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? ये आज के एम्प्लॉय तो है नहीं है, इनको कम से कम भी 15-15, 16-16 साल से ऊपर का समय हो चुका है। कुछ ऐसे आदमी हैं जो कि अब रिटायरमेंट की कगार पे आने पे शुरू हो गए हैं और उनको भी अभी तक पक्का नहीं किया जा रहा। ऐसा क्या इन्होंने कसूर किया? क्या इनका यह कसूर था कि इन्होंने अपनी 30-32 साल की सर्विस जो है वो पब्लिक में दी? अगर इनको ये आज रिवार्ड दिया जा रहा है कि पब्लिक सेवा करने का आज ये रिवार्ड है कि आज इनको 4,000 या 5,000 के लिए मोहताज कराया जा रहा है और वो भी अफसरशाही के ये गुलाम रहते हैं कि वो इनकी अटेंडेंस पूरी करेंगे तो जाके इनकी तनख्वाहें रिलीज होगी, अदरवाइज वो तनख्वाहें भी नहीं रिलीज होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें आखिरकार किसका संज्ञान है? क्या सिर्फ बड़े अफसरान की तनख्वाहें जो हैं वो उनमें इंक्रीमेंट होने चाहिए? उनको 7th pay, 8th pay, 9th pay सारे स्केल उनको मिलने चाहिए? इनका नहीं है। आखिरकार अगर कोई जंपर टूटता है, कोई तार टूटती है, कोई खंभा गिरता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये जो डेली वेजर्स हैं, इनकी इनको फोन किया जाता है और इनके थ्रू जो है वो सारी की सारी लाइन लगा दी है। ये अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। आपने देखा कि प्राइवेटाइजेशन जो है पूरी की पूरी आज हावी हो चुकी है। इतनी प्राइवेटाइजेशन हो भी हावी होने के बाद भी इनके लिए कोई आपके रिलीफ नहीं है। आप अफसर देखें, अफसरों को इंक्रीमेंट भी चाहिए, अफसरों को TA भी चाहिए, अफसरों को DA भी चाहिए, अफसरों को पे स्केल पर इंक्रीमेंट भी चाहिए, लेकिन इनको ना पक्का ना इनके लिए कोई सोचा जाएगा। ये मरता है तो मर जाए, ये जीना है इनका जीने का कोई हक नहीं। अगर ऐसा ही LG गवर्नमेंट का फरमान है तो मैं LG गवर्नमेंट से खरास करता हूँ कि आप एक काम करिए, आप वहाँ से जहर की पुड़िया ला दीजिए और इतने एम्प्लॉई जो हैं इनके सारी परिवारों को दे दीजिए ताकि आप पे लोड ना पड़े, ये ना परिवार रहेंगे और आपकी सरकार जो है वो चमकती रहेगी, भाजपा सरकार चमकती रहेगी, अफसरशाही चमकती रहेगी। अभी भी आप देख रहे हो कि अफसरशाही कितनी हावी हो चुकी है कि हम कितनी देर से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई अटेंडेंस नहीं मिल रही। किस बात का गुनाह है हमारा? क्या ये गुनाह था इन एम्प्लॉयज़ का कि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी उम्र, आप देखिए इनमें से उम्रों देखिए कितने कितने, इस बुजुर्ग को देखिए, क्या ये लगता है कि आज का एम्प्लॉय है? क्या ये लगता है कि कल में इसको कल अटेंडेंस वो मिली हुई है, यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है? ऐसे ऐसे गरीब आदमियों को, इन बच्चों को देखिए, इनका क्या भविष्य है? क्या हम बता रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में हम ये कहेंगे कि आपका भविष्य हम जो है ये सुनहरी कलम से लिखा जा रहा है? ये था स्टेट को खत्म करने का, ये था 370 आर्टिकल को एब्रोवेट करने का। ये आप अभी देख रहे हैं, क्या उस टाइम जब ये स्टेट थी तो क्या इस तरह दफ्तर के बाहर एक एक घंटा गला फाड़ने के लिए हमें खड़ा होना पड़ता था या अफसर संज्ञान लेते थे? तो ये आज की डेट भी तानाशाही जो है, LG गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर सोचना है, अगर आप वाकई स्टेट की बहबूदी चाहते हैं, इस पब्लिक की बहबूदी चाहते हैं, तो इन गरीबों का सोचें, इन 12,000 परिवारों के बारे में सोचें, इन नौजवान पिलरों के बारे में सोचें, इन जाती हुई पीढ़ी के बारे में सोचें जिनके थ्रू इनकी फैमिलीज, इनके बच्चे, आज उनका सबका फ्यूचर जो है स्टेक पे लगा हुआ है। क्या वो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे? कभी नहीं। क्या वो अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे? कभी नहीं। क्योंकि 5,000 में आज की डेट में आपने राशन कार्ड तक बंद कर दिए हुए हैं, तो आप बताइए 5,000 में ये खाना खाएगा, बच्चे की फीस भरेगा, बच्चे को पढ़ाएगा या ऐसे गला फाड़ेगा अफसरों के आगे? ये सब मैं आपके सामने LG गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने अपनी संज्ञान नहीं लिया तो जिस तरह का ये उग्र रूप इन्होंने धारण कर लिया हुआ है, ये मैं श्योरिटी कहता हूँ, ना बिजली होगी, ना ही कोई किसी घर में दिया जलेगा, क्योंकि ये 12,000 परिवारों को आपने भूखा मरने पे मजबूर कर दिया हुआ है। और मैं बतौर बसोली की तरफ से इनका पूरा समर्थन करूंगा और इनके लिए आज मैं ऐलान करता हूँ मीडिया में, अगर मेरे को अपनी जान की बाजी लगानी है मैं पक्का लगाऊंगा। जादे मुलाजमीन हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे। क्या डिमांड्स हैं आपकी? सर, हमारी डिमांड्स हैं कि LG साहब ने जब 12,000 बंदा पक्का किया था तो वो अभी तक नहीं हुआ है। इवन कि वो प्राइवेटाइजेशन चला दिया कि हर डिवीज़न में 100-100 बंदा जो है वो प्राइवेट में रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि ये पहले हमारा काम होना चाहिए, 12,000 बंदा जो 2021 में LG साहब ने रिटर्न में दिया था कि इनको जल्दी से जल्दी परमानेंट करेंगे, और जो 381 के तहत पोस्टें बकाया पड़ी हुई हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो है जो 12,000 बंदा जो है पक्का हो। नहीं तो ऐसा जो विरोध की नीति है, हमारे पूरे जम्मू में स्ट्राइक चल रही है, अदरवाइज इसका खामियाजा कल ही भुगतना पड़ जाएगा। धन्यवाद।